महाराज जी बोल रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त को बेसिकली समझना बड़ा मुश्किल है, और नारद जी खुद भी इसके शिकार रहे हैं। और नारद जी जब बात हो रही थी दक्ष के पुत्रों से, उन्होंने दो बार व्यवहार किया और उनको डिवोटीज बनाया, तो दक्ष ही गुस्से में आ गया उनसे, और दक्ष ने उनको श्राप दे दिया। और दक्ष का मतलब बेसिकली है, दक्ष का मतलब है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपर्ट है। तो दक्ष एक्सपर्ट इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो नारद जी का मंतव्य को समझ नहीं पाया, और उसने ये महसूस किया राजा दक्ष ने कि जो नारद जी हैं ये इनकी जो सर्विस है कि प्रजा बढ़ानी है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, उसके अंदर ये रुकावट डाल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, राजा जो दक्ष हैं, उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, आप एक जगह पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। नारद जी ने बोला, वेल बहुत अच्छी बात है, आपका ये जो श्राप है मेरे लिए वरदान का काम करेगा। मैं तो वैसे ही ट्रैवलर, ट्रैवलिंग प्रीचर हूँ, मैं और ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर दूँगा। तो नारद जी स्वयं जो है उनको इस दोष को झेलना पड़ा कि लोग जो हैं वो एक शुद्ध भक्त को बेसिकली ठीक से समझ नहीं पाते। क्यों समझ नहीं पाते? एक्सपर्ट हो गए, डिवोटीज भी होते हैं लोग, और डिवोटीज होने के बावजूद अभक्त हैं वो तो समझ ही नहीं पाते। अभक्तों के तो मतलब उनके तो परे की बात है, उनकी ताकत ही नहीं है उनके अंदर। लेकिन जो डिवोटीज हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, वो भी जो है शुद्ध भक्त के जो कार्यकलापों को, शुद्ध भक्त को उनको क्या व्यवहार है उनका, कई बार उनको बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसा देखकर। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है बेसिकली कि हम किसी का भी आंकलन करते हैं, ऐसे नहीं किसी भक्त का, किसी भी व्यक्ति या वस्तु जिसके हम संपर्क में आते हैं हम उसका आंकलन करते हैं, हम जिस परिवेश से हम आए हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, जो ज्ञान का भंडार है, जो हमारे पास जितना शास्त्र चक्षु हमारे हमने हासिल किए हैं, एक्वायर किए हैं, उसके अनुसार हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का आंकलन करना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार दोष उस व्यक्ति में नहीं होता, कई बार दोष जो होता है वो आपकी अपनी सोच में होता है, आपके अपने परिवेश में होता है, जिस परिवेश से आप आ रहे होते हो, उस परिवेश के चलते आप जब अपनी कसौटी पे आप किसी भक्त को कसना शुरू कर देते हो, तो नेचुरली आपको बहुत सारी विसंगतियाँ, आपको बहुत सारे दोष नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जब दोष नज़र आने शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले बात है कि उस भक्त के प्रति आपके मन में श्रद्धा घट जाती है। श्रद्धा आती पहले बड़ी मुश्किल से है, अब आ गई तो श्रद्धा, जब दोष दिखने शुरू हो गए तो वो श्रद्धा घट गई। अब जब वो श्रद्धा उसमें घट गई तो ऐसा नहीं कि केवल उसमें घट गई, डिवोटी एज अ क्लास, एक वर्ग के रूप में भक्तों के अंदर जो है श्रद्धा लोगों की घट जाती है। मैंने देखा है कि कई बार भक्त जो जो नए भक्त हैं बेसिकली, अगर किसी से जुड़े हुए हैं, अगर उसके प्रति उनका मन विचलित हो गया, खराब हो गया, श्रद्धा खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं किसी और में निवेशित हो जाएगी, किसी और के साथ जुड़ जाएंगे, वो फिर कटी पतंग की तरह हवा में उड़ते रहते हैं, फिर वो लोग किसी के साथ भी जुड़ नहीं पाते। नहीं, हमने धोखा खा लिया, अब तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, अब तो हम गुरु से या प्रभुपाद से अपने डायरेक्ट लिंकेज लेकर आएंगे। ये बेसिकली बेवकूफ़ी वाली विचार होता है। लेकिन जो भक्त इसमें से गुजर रहा होता है उसको यही बेस्ट सॉल्यूशन लगता है, और आप उसको कभी भी कितना भी समझा कर देख लो, हमने तो कोशिश करके देख रखी है, हमने ऐसे दर्जनों लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो एक से टूट गए, अब ना दूसरे के पास जाएंगे ना पहले के पास जाएंगे, बस बीच में त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे, और उत्पात एव केवलम,
और खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये ठाकुर ने ये बात बोली है कि जो अच्छे से हरि भजन कर रहा है उसके लिए घर और मंदिर में कोई भेद नहीं है, और जो अच्छे से हरि भजन नहीं कर रहा उसके लिए भी घर और मंदिर में कोई भेद नहीं है। जो अच्छे से हरि भजन कर रहा है वो घर में भी सुख से रहेगा, मंदिर में भी सुख से रहेगा। जो अच्छे से भजन नहीं कर रहा वो घर में भी समस्या खड़ी करेगा और मंदिर में भी समस्या खड़ी करेगा, उसका ये स्वभाव बन जाता है उसका। इसका